दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं भारत का T20 वर्ल्ड कप का अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम का अब दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी काफी ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले का बदला लेना है। लेकिन इससे पहले भारतीय टीम बदला ले, न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो क्रिकेट जगत में तहलका मच गया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम पर विवादित बयान। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड में कौन है बेहतरीन टीम, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं भारत का T20 वर्ल्ड कप का अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम को अब अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के हाथों बड़ी ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तो भारतीय टीम को देखकर एक बात तो साफ तौर पर तय हो चुकी थी कि इस साल भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ी जबरदस्त वापसी करने में विश्वास रखते हैं और ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे जब वो अपने अगले मुकाबले में यानी कि न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम को हराकर वापसी करेंगे। और ऐसा भी भारतीय टीम तो करके दिखाएगी न्यूजीलैंड के साथ जब वो पुराना हिसाब किताब भी चुकता करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम वो टीम है जिन्होंने 2019 के T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप से छुट्टी कर दी थी और इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया था। और वहीं उसके बाद 2021 के टेस्ट चैंपियनशिप में भी भारतीय टीम को हराकर खिताब अपने नाम करा था। इसलिए भारतीय टीम के लिए अब न्यूजीलैंड की टीम को हराना और भी ज्यादा अहम हो गया है। और अगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय टीम 31 अक्टूबर को खेले जाने वाले मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम को हराकर अपना बदला पूरा कर लेगी। लेकिन दोस्तों इसी बीच न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों ने इस अहम मुकाबले से पहले भारतीय टीम को कमजोर बताया है और 31 अक्टूबर को खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम को चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि सबसे पहले मार्टिन गुप्तिल ने भारतीय टीम को लेकर अपने बयान में कहा है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस साल अगर कोई टीम सबसे खतरनाक है तो वो है भारत की टीम। लेकिन भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में जिस शर्मनाक अंदाज में पाकिस्तान से हार का स्वाद चखा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब 31 अक्टूबर को हमारी टीम भारत के सामने खेले जाने वाले मुकाबले में उतरेगी तो हमारी टीम के लिए एक बार फिर से भारतीय टीम को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे भी हमने पहले भी कई बार भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी है और इसलिए हमारे लिए इस मुकाबले में भारतीय टीम को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद केन विलियमसन ने तो भारतीय टीम को लेकर बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे डाला। आपको बता दें कि केन विलियमसन ने अपने बयान में कहा कि इस साल न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से तैयार है भारतीय टीम को एक बार फिर से हराने के लिए और हमने ऐसा पहले कई बार किया हुआ है, यानी कि भारतीय टीम को हराया हुआ है। इसीलिए हमारी टीम के लिए उन्हें एक बार फिर से अहम मुकाबलों में हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में शिकस्त का सामना करा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इस साल भारतीय टीम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्रम दोनों ही काफी ज्यादा कमजोर है। दोस्तों इसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के बल्लेबाज हमेशा से ही उनके सामने संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, खासकर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज। उनके लिए इन दोनों बल्लेबाजों को दिक्कतों में डालना काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इन दोनों बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया है, इसीलिए वो बार बार ऐसा करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के बयान सुनकर आप सभी को क्या लगता है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम 31 तारीख को भारतीय टीम को हराने में कामयाब रहेगी या फिर नहीं, नीचे में कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।